कश्मीर के जिला परिषद चुनाव में टक्कर का मुकाबला कश्मीर वैली में बीजेपी ने खोला खाता, श्रीनगर में जीता बीजेपी का उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर जिला परिषद के चुनाव में भले ही गुपकार गठबंधन आगे चल रहा हो, उसके बावजूद उसे वो सफलता नहीं मिलती दिख रही है जिसकी उसे उम्मीद थी। वहीं दूसरे नंबर पर चल रही बीजेपी ने वैली में खाता खोल लिया है। श्रीनगर में इंजीनियर रशीद ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्हें जीत हासिल हुई है। इस पर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बीजेपी के लिए बड़ी जीत है, यह लोकतंत्र की बड़ी जीत है कि जो लोग पहले कह रहे थे कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, उन्हें जनता के दबाव में चुनाव लड़ना पड़ा। कश्मीर वैली में भी पहला कमल खिल गया है। यहाँ से इंजीनियर एजाज हुसैन जीत गए हैं और कई सीटों पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कश्मीर वैली में भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। पूरा देश जिस तरह मोदी जी के साथ है, जम्मू और कश्मीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहा है। हमारे विरोधी ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सब मिल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर दिखा दिया। कश्मीर वैली में भी कमल खिल गया है, इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।